गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लाइन सारी चीज़ें समझ रही थी। तो वहाँ पे ना विंग और वांग जी आते हैं, और आने के बाद जो मतलब लंच रहने सारी तैयारी कर रही थी विंग और वांग जी की शादी की। तो विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और सब लोगों को इन्विटेशंस भी जा रहे थे, लेकिन मतलब जिन्हें जो उनको कोई भी इन्विटेशन या फिर कुछ भी नहीं दिया गया था। और वांग जी नहीं चाहता था कि उसके इस मतलब इतने खूबसूरत से मौके पे वो अपनी ज़िंदगी के सबसे मतलब जो जिसके साथ वो रहना नहीं चाहता, जिसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता, दुख भी नहीं सुख भी नहीं कुछ भी नहीं, तो उसे नहीं बुलाना ही उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। तो ना वहाँ पे पूरे चाइना को पता चल गया कि वांग जी की शादी होने वाली है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो और हर कोई जानना चाहता है कि लान वांग जी की ओमेगा कौन है। तो ना वहाँ पे चिंगन जून के मतलब एक कुछ भी नहीं आया था। तो चिंगन जून ना बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते वह उदास हो गए थे कि उनके छोटे बेटे की शादी है और उनके छोटे बेटे ने उन्हें नहीं बुलाया। तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो वहाँ पे ना वांग जी ना बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। तो लैनसन की तरफ पिंग देख के बोलता है हमें उन्हें बुलाना चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ना मैं उन्हें सुख में रखना चाहता हूँ ना दुख में, कुछ में भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ मेरा कोई भी रिश्ता हो। आई रियली डोंट वॉन्ट दैम टू कम माई लाइफ टू डिस्ट्रॉय इट। तो ना वहाँ पे विंग समझ रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इसीलिए उसने अपने अल्फा की बात सुनी और उसने भी माँ चिंगन चुन को नहीं बुलाया। तो इसीलिए ना सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और चिंगन जून जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे। वो जानते हैं कि वांग जी नहीं चाहता कि वो उनके पास जाए। वांग जी को उन्होंने कितना ज़्यादा हर्ट किया है और वो उन्हें पता है, और ये सारी चीज़ें वो मतलब जानते हैं कि अपने बच्चे को वो चाह कर भी अभी अपने पास नहीं रख सकते। उनके बच्चे को उन्होंने कितना ज़्यादा हर्ट किया है। ये हर्टनेस के चक्कर में वो सारी चीज़ों के चक्कर में उन्होंने विंग विंग के सामने भी अपना इमेज इतना गंदा बना दिया है। तो ना वहाँ पे विंग के बारे में सोचते सोचते चिंगन जून ना वहाँ पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे चिरन आते हैं। चिरन ना अपने कमरे में जा रहे थे जहाँ पे उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो वो लेने के लिए आए थे, और कुछ चीज़ें थी मैडम लैन की जो वो मतलब वहाँ की उनके पुश्तैनी लॉकर्स से मतलब उनके फादर के रूम से लेके आ रहे थे। तो ना वहाँ पे एक हार था जो मैडम लैन का था वांग जी के मॉम का। तो ना वो लेके नीचे आ रहे थे, मतलब एक नेकलेस नहीं था एक पेंडेंट था। तो ना वहाँ पे मैं चिंगन जून बोलते ये कहाँ लेके जा रही है, ये जो मैंने जो शिचैन की वाइफ के लिए रखा है। तो ना वहाँ पे मतलब चिरन बोलते व्हाट किसके लिए रखा है बताना, मैंने कुछ सुना नहीं। तो बोलते ये शिचैन की वाइफ के लिए। तो ना वहाँ पे चिरन बोलते हैं ये भाभी का है, मैं मुझे जितना पता है आपका नहीं, ये उनकी मदर का था, फिर अभी उनके बेटे की वाइफ का होगा। तो ना वहाँ पे मेरा जो चिंगन जून बोलते हैं लेकिन वो बड़े बेटे के लिए होता है ना। तो ना वहाँ पे शे मतलब चिंगन जून की तरफ देख के लैन शिचैन लैन कुरन ना हंस रहे थे और बोल रहे थे कि क्या व्हाट, वो उसकी बेटा नहीं है, वांग जी उनका बेटा है। और आपको तो हमेशा से शौक है ना आपके बेटे को वांग जी की चीज़ें देने का, लेकिन अफसोस वांग जी की चीज़ें वांग जी की होगी, क्योंकि वो मतलब एक बात वो ना बहुत ही रूडली बोलते हैं नाजायज बेटे के लिए इतना प्यार। तो ना वहाँ पे चिंगन जून बोलते हैं चुरैन माइंड यू वर्ड्स। तो ना बोलते व्हाट, वो नाजायज ही है, नाजायज ही रहेगा,
बेटी भी ना जायज, बेटा भी ना जायज, ना जायज रिश्ते में बन के रहे हो और अभी बकवास कर रहे हो। और वो उसकी मदर कभी नहीं थी, वो वांग जी की मदर थी हमेशा से ही। और आइंदा कुछ भी कहना, वांग जी की मदर की चीज़ें अपने बच्चों को देने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के चिरैन वहाँ से ना चले गए थे। चिरैन ने सारी लैन मैडम लैन की चीज़ें अपने पास रख ली थी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें वांग जी की है। मैडम लैन ने बोल के रखा था कि उनकी सारी चीज़ें, सारी हेरिटेज जो मैडम लैन के फादर ने उनको दी थी, वो सारी चीज़ें वांग जी के नाम पे थी। तो वो सारी चीज़ें वांग जी के लिए बहुत थी, उसे लैन फैमिली का कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी उसके ग्रैंडफादर ने सारी चीज़ें चिरैन से बात करके, चिरैन क्योंकि वो शादी नहीं करेंगे और उनके बच्चे भी नहीं हैं, शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे होंगे, तो इसीलिए उनसे बात करके वांग जी की सारी, वांग जी को सारी चीज़ें दे दी थी। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन की मतलब बातें सुन के मैडम लैन आती है, मतलब शिजैन की मदर आती है और बोलती है, तो ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है। तो बोलते हैं वो ऐसे बोल सकता है क्योंकि ये सच बात है, हमारी शादी नहीं हुई थी, हम शबीना शादी के बच्चे कर रहे थे और अभी ये सारी चीज़ें आप क्या कह रहे थे। हाँ, तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है कि मैंने उसे वांग जी की भी बच्ची मतलब क्या बोलते हैं स्पाउस के लिए रखा था। तो बोलते आप रखने वाले होते कौन है, उसकी मदर का है, आप हमेशा से ऐसा करते हैं क्या, भी जानबूझ के करते हैं। मुझे लगता है पहले मतलब मुझे अभी लग रहा है कि आप जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के बोलते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो। तो बोलते मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ कि आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं उसके साथ। उसके साथ इतना गलत करने के बाद आपको अभी भी उसकी मदर की चीज़ें आपके मतलब मेरे बच्चों को देनी है। अगर मेरी चीज़ें वांग जी के स्पाउस को दी जाए तो चिरैन को, शिचैन को कैसा लगेगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। मेरी मदर की दो चीज़ें हैं मेरे पास, मैं अपने बच्चों को ना दे के मेरे सौतन के बच्चों को दे दूँ। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं मैं जस्ट एक तुम लोगों के साथ एक अच्छी मतलब बॉन्ड में। तो बोलते हैं बकवास बंद कीजिए, ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हैं ना, ये बिना रीज़न का एक कलेश है और आप उससे दूर रहिए। उसे जितना दूर रहेंगे आपके लिए अच्छा होगा। और मैं अब से फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, मुझे उस बच्चे के लिए भी बुरा लग रहा है और मैं खुद के लिए भी बुरा फील कर रही हूँ कि मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया जो अपने बच्चे को इतने ज़्यादा क्रूअल तरीके से हर्ट कर रहा है। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते मैं ऐसा नहीं हूँ। तो बोलते आप कैसे हैं बताएंगे मुझे, मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ, आई जस्ट डोंट नो कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू रिएक्ट राइट नाउ। जैसे ये डिस्गस्टिंग है, कि ये टोटल डिस्गस्टिंग है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के चिंगन जुन बोलते मैं गलत इंटेंशन से। तो बोलते आपका गलत इंटेंशन नहीं, मुझे भी लगता है क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा ही होता है ना कि कुछ लोग ग्रीडी, जिसे सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, ठीक ऐसे है आप। और आइंदा से मेरे बच्चों को उसकी मदर की चीज़ें देने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे चिचैन बोलते हैं फादर मैं आपकी चीज़ों को, आपकी मदर की चीज़ों को अगर आपका कोई सौतेला भाई होता तो मैं उनको दे देता, तो आपको कैसा फील होता। जस्ट अपने आप को वांग जी की पोजीशन में रख के देखिए, अभी मुझे आपसे ना थोड़ी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। मैं अपनी मदर की चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मैं ऐना से भी शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरी मदर है और आप ये सारी चीज़ें हमारे लिए करें, हमें नहीं चाहिए।
वी डोंट वॉन्ट दिस, ऐसा बोल के चिरन भी शिजन भी वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे फिर ना मतलब ये बात सुन के मतलब वो अपना दिमाग वो ना खाली हो गया था उनका, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। उनकी ज़िंदगी में जब भी उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है, इतना घटिया की वो सोच होती है उनकी, वो सोचते कुछ है वो कुछ और जाता है। हर चीज़ का एक मतलब एक सही दिशा क्यों नहीं मिलता, हर चीज़ का उन्हें गलत मतलब ही क्यों निकालना होता है, कोई सही बात भी तो बोल सकते हैं वो दोनों। वहाँ पे चिराशिजा ने एक बात सही बोली, अपने आप को हुवांग जी की जगह रख के देखना तो समझ में आ जाएगी। दोनों वहाँ पे शिजन के बाद कि मतलब चिंगन जिन सोच ही रहे थे, वहाँ पे ना फिर से लैन कुरान की गाड़ी आती है और लैन कुरान फिर से वापस जाते हैं। जो वांग जी के थे ना सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें हेरिटेज में वांग जी को मिली थी वो वहाँ से लेके आते हैं, और अपने सारे वो अपने हाथ में ही रखे थे वो सारी चीज़ें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली चीज़ें हैं, और किसी ने चोरी कर ली तो पैसे की बात है नहीं, ये हेरिटेज और इमोशंस की बात है। और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर एक भी चीज़ इधर से उधर हो गई। तो ना वहाँ पे चुरैन के हाथ में इतनी सारी चीज़ें देख के बोलते चुरैन क्या कर रहे हो, तो ना वहाँ पे चिरन कुछ भी नहीं बोलते, सारी चीज़ों को अपने तरीके से वो सेट करते हैं, किसी को छूने नहीं देते। और बहुत सारी चीज़ें थी जो जो चीज़ें थी, और मैडम लैन की कमरे से कुछ कुछ चीज़ें सारी मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो पहले ही वांग जी लेके चला जा चुका था, और वहाँ पे चिरन वो सारी चीज़ों को बांध रहे थे। तो वहाँ पे चिरन बोलते ये आपका घर है, आपके नाम पर है, तो हमें यहाँ पे हमारी चीज़ों को नहीं रखना, ऐसा बोल के वो सारी चीज़ों को रख रहे थे। और वहाँ पे एना शिजन चिंगन जुन मैडम लैन खड़े हुए थे, सारी चीज़ों को चिरन समेट रहे थे वांग जी के कमरे से, वांग जी के सारे टॉयस जो वो 7 साल की उम्र तक खेलता था उसके रूम को खोल के वो सारी चीज़ों को बाहर ला रहे, मतलब बोल रहे थे कि ये सारी चीज़ों को बाहर ला जाए। उसके बचपन की सारी चीज़ें जो थी, जो जो वांग जी की बिलोंगिंग्स थी, वांग जी के थे, वो सारी चीज़ें वो निकाल रहे थे। तो मैडम वहाँ पे चिंगन जुन बोलते क्या हुआ, तो बोलते क्या हुआ मतलब, तो वहाँ पे ना चिरन बोलते यह आपका है तो हमें हमारी चीज़ों को हटा लेना चाहिए, कब आप ये सारी चीज़ें फेंक दें, आपको तो इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा तो है मतलब कोई अटैचमेंट तो है नहीं, तो आप अगर आप फेंक भी देंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारे इसमें बहुत सारी यादें हैं जो हम नहीं चाहते कि आप फेंक दें और हमें ना मिले, तो पहले मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। तो वहाँ पे ने सब बोल के चिरन ये सारी चीज़ें कर रहे थे, सारे सर्वेंट्स को बोल रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी का झूला था, तो वहाँ पे चिरन बोलते ये झूला खा लेके जा रहे हो, वांग जी का बेबी इसमें सोएगा, तो ना वहाँ पे चिरन बोलते वांग जी का बेबी सोएगा तो वहाँ पे उसे लेके जाना तो पड़ेगा ना, तो बोलते क्यों लेके जाना पड़ेगा, वो ये पे आएंगे बच बेबी बेबी जब डिलीवर होगा शिजैन उसका जा मतलब उसका डॉक्टर होगा ना विंग का, तो बोलते मतलब चिरन शिज मतलब लैन कुरैन ना अपने भाई की तरफ देखते और बोलते क्या आपको लगता भी है वांग जी आपके बेटे से उसके वाइफ को छूने भी देगा, आप बहुत अच्छा सपना देखते हैं जो बहुत कम दिखना चाहिए आपको। तो वहाँ पे ना मतलब लैन कुरैन बोलते देखिए मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत तो है नहीं, और मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो, और मुझे समझना भी नहीं, आप अपने काम से काम रखिए मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं जा रहा हूँ, और सारी चीज़ों को लेके वहाँ से जा रहे थे। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते नहीं प्लीज़
इन सारी चीज़ों को मत लेके जाओ। तुम सब यहाँ पे क्यों नहीं रहते? वांग जी की शादी के बाद वो भी तो यहाँ पे रह सकता है ना हमारे साथ। हम एक फैमिली तो ना वहाँ पे है। चिंगन जी बोलते हैं हम फैमिली नहीं है। तो इस बात को आप अपने दिल में जितनी जल्दी उतार लेंगे उतना अच्छा होगा। तो गाइस मैं अपनी गानी यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज की गानी पसंद है। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। नॉइस आए तो इग्नोर करना और बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।